हरे कृष्णा। हम लोग हमरा गुरु वैष्णव का नेर अनुगत्य जे स्थाने से उपस्थित हुए स्थान नाम मान सरोवर। हमरा प्रथम आर्ली 80 जब हम गुरुदेव संगे आसतम कुंजर भितरे बसे हरिकथा हतो। देखो अनेक एखनो जायगा आछे एपाशे जारा बसते जायगा पान नाई ओ पिछन दिक होये गेछे जान अनेक जायगा आछे। কেউ গাছের উপরে বসবেন না, এই গাছ সাধারণ গাছ নয়। তারা অনেক অনেক যুগ ধরে তপস্যা করছেন রাধা কৃষ্ণের কৃপা লাভ করার জন্য, সাধারণ গাছ গাছ নয়। এখানে শ্রীমতী রাধা ঠাকুরানী উনি কৃষ্ণের ব্যবহারের জন্য ওনার অনাদর করার জন্য উনি মান করে এখানে চলে আসেন। ওনার চোখের জলে এই সরোবর তৈরি হয়, এই জন্য মান সরোবর। মান করে আসার জন্য এবং চোখের জলে সরোবর তৈরির জন্য মান সরোবর। এখানকার স্থান মহিমা সম্বন্ধে ভক্তগণ বলবেন, আমি প্রথমে শ্রীধর ভাইকে অনুরোধ করি উনি স্থান মহিমা শ্রবণ করেন। শ্রীধর মহারাজ যদি না দিয়ে মান করে যখন উনি ওটা নিয়ে এসে মান করে পালা হবে, এটা তুমি আগে বলো। Oh my God, it's a without चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय राधाकरावचितपल्लभवल्लरीकीर्त्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरि। बार जोर करके बोलो हरे हरे राम हरे राम राम राम। हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में श्रीधाम ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते अभी जिस स्थान पर उपस्थित हुए हैं, ये स्थान का नाम मान सर्व है। अभी माधव महाराज बता रहे थे ना, जब हम गुरु जी को साथ में आते थे यहीं बैठते थे, इसी के अंदर में हम बैठा करते थे और गुरुदेव एकदम भाव अभिष्ट हो जाते थे। क्योंकि गुरुदेव है कौन, राधा रानी की नित्य ये मंजरी रमन मंजरी है, इसलिए महाराज जी उसी भाव में आविष्ट होकर के अपना जो कुर्ता को उतार करके महाराज जी इसको अंदर में साष्टांग प्रणाम करते थे एकदम, और ये धूल में लौट पोट खाते थे। और गुरुदेव कहते थे, देखो ये जो वृक्ष है ना, ये वृक्ष को साधारण मत समझो। गुरुदेव विशेष कर कहते थे, कहते ये वृक्ष नहीं, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग हैं, यहाँ पर सिद्धि प्राप्त करने के लिए अक्सर करके वृक्षों को देखना, वृक्ष ऐसे ऊंचा होता है ना, लेकिन ये वृक्षों को देखो कोई ऊंचा नहीं। देखो वहां पर देखो ये वृक्ष जैसे लेटा हुआ है, वहां पर देखो ये वृक्ष देखो लेट हुए हैं। गुरुदेव कहते थे ये वृक्ष नहीं, ये सबके सब ऋषि मुनि लोग यहाँ पर वृक्ष रूप में ब्रज रज को प्राप्त करने के लिए, राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए ये वृक्ष रूप में सबके सब ऋषि मुनि लोग जन्म ग्रहण किए हैं। इसलिए कहते ना, वृंदावन के वृक्ष को मरम ना जाने कोई, और डाल डाल और बत बत में श्री राधे राधे। इसलिए देखो ये वृक्ष स्वाभाविक रूप में कुंज जैसे बना, स्वाभाविक रूप में ये कुंज बना हुआ। इसलिए हम लोग और गुरुदेव और एक बात कहते थे, जैसे राधा रानी मान करके टेढ़ी बन गई ना, मान टेढ़ी हो जाती है, गुरुदेव कहते देखो ये वृक्ष को सब टेढ़े बैठे, ये देखो ये वृक्ष को सब टेढ़े बैठे। गुरुदेव कहते थे मानो ये वृक्ष भी राधा जी की भाव में विभावित होकर के ये वृक्ष भी ये टेढ़े मेढ़े बने हुए, ये वृक्ष भी सब देखो सब टेढ़े मेढ़े बने हुए। इसलिए गुरुदेव कहा करते थे, विशेष करके वृंदावन में दो स्थान है जो बड़ा महत्वपूर्ण, कहते कौन सा स्थान, बोले वृंदावन में श्री सेवा कुंज और ये एक श्री मान सरोवर। ये मान सरोवर और श्री सेवा कुंज, ये विशेष करके ये दो स्थान की गुरुदेव बड़ा महत्व गुरुदेव दिया करते थे।
इसलिए अभी हम जहाँ पर पहुंचे हैं स्थान का नाम मान सरोवर है। क्योंकि जो मान सरोवर बना कैसे, कृष्णा जब वृंदावन में रास कर रहे थे, रास करते करते जो राधा रानी का कभी मान हुई, बोले मान हुई क्यों, बोले विभिन्न कारण से मान होता है। मान इसलिए हुई, एक दिन राधा रानी क्या की थी, एक सुंदर फूलों की माला बनाई और जो बिना धागा की वो माला है, और बड़ी जत्न पूर्वक माला बना करके उन्होंने श्री श्याम सुंदर को गले में पहनाए। तो अभी माला पहन लिए, अभी जब राधा रानी से कृष्ण मिलेंगे, जो माला है बीच में एक तरह का बाधा देने वाली, हाँ बाधा देने वाली, इसलिए कृष्ण ये माला को उतारे और इसे पेड़ के ऊपर में कृष्ण लटका दिए। लटका दिए तो इतने में एक सूग ने, एक तोता ने, वो उड़ते हुए जा रहा था। जब जा रहा था इतने में श्री चंद्रावली ने वो देखा, वो माला को बुला रही, ये तो कृष्ण प्रसाद ही है। उन्होंने अनारा की दाना की लोभ दिखा करके तोता को बुलाया और तोता अनारा दाना उसको बड़ा प्यारा है। जब आए बोले ये अनार लो और ये माला हमें दे दो, तो उन्होंने श्री इसको दे दिया। उन्होंने देख चंद्रावली को, चंद्रावली ने क्या की, वो माला को लेकर के अपना जो केस है चोट में सर में, इतने में ललिता ने राधा रानी को बोले, हे राधे लगता है ये श्याम सुंदर प्रेम करना नहीं जानते, ये प्रेम करना इनको आता नहीं, कहा तुमने इतने प्यार से माला बनाया और माला देखो कहाँ पर है। बस राधा रानी तो मान कर ली, ये कारण थे। कभी राधा रानी और कभी मान की, रास लीला करते करते कभी राधा रानी देखा कृष्ण लोगों के लिए असंभव है, लेकिन राधा रानी के लिए कोई असंभव नहीं। इसलिए चैतन्य भागवत में पढ़कर देखना, जब महाप्रभु नृत्य कीर्तन करते थे, हाँ राधा भाव में विभावित होकर के, कृष्ण प्रेम में उन्माद होकर के, उसी समय महाप्रभु की आंखों से इतने आंसू बहते थे, जिसे पिचकारी होता है ना, पिचकारी आस पास के लोग भूल जाते थे, और जहां पर महाप्रभु नृत्य कीर्तन करते थे वहां कीच कीच हो जाता, कीचड़ कीचड़ हो जाता। इसलिए ये असंभव नहीं है, क्योंकि राधा रानी सारी प्रेम की समुद्र श्री राधा रानी है, ये असंभव नहीं। इसलिए ये सरोवर नहीं, राधा रानी के आंखों का आंसुओं से ये भरा हुआ सरोवर है। इसलिए इसको आचमन लेने से क्या होगा, हमारे हृदय में भी प्रेम की प्रकट होगी। इसलिए जो मान सरोवर है, श्री रूप गोस्वामी कहते श्री श्री उज्जवल निर्मणि ग्रंथ में ये मान की बहुत अच्छी तरह से व्याख्या करते हैं। कहते भैया ये मान कब होता है, क्यों होता है, और मान कितने तरह का। कहते मान तभी होता है प्रिया प्रियतम पास में बैठे हुए, लेकिन अंदर में तो भावना क्या है, दोनों के प्रति तो प्रेम है, अंदर भावना दोनों दोनों में मिले, लेकिन कभी किसी कारण से क्या होता है, अंदर इच्छा किया दोनों आलिंगन करे चुंबन करे इच्छा है, लेकिन ऐसे एक विषय आकर के पहुंच गया जो दोनों को मिलन करने नहीं दे रहा, दोनों को मिलने नहीं दे रहा है, हाँ? लेकिन हृदय में प्रेम है, कब हम दोनों एक साथ में मिले हैं, लेकिन वो मिलने नहीं दे रहा है, मिलने नहीं दे रहा है, इसलिए इसको कहते क्या, ये मान। कहते भैया मान कब होता है, मान किए हो कभी कभी, कौन कौन किए हो मान, सबके सब जितने माताएं सबके सब मान की होगी। कहती जो मान कब होता है, ये मान कब होता है, तब रूप गोस्वामी कहते हैं मान कभी होता है जब पत्नी को पता चले, प्रिया को ये पता चले, अगर मैं मान करूंगी जब तक मेरे प्रियतम मेरे को नहीं मनाएंगे ना, तब तक वो रह ही नहीं सकते हैं, जरूर ये मेरे को मनाएंगे, तभी जाकर कोई स्त्री मान करती है। अगर मान कर पति पर पिटाई करना शुरू कर दे, पत्नी कभी मान नहीं करेगी, जब पता चले ये मनाए बगैर रह ही नहीं सकता है, नहीं तो पेट कर रोटी हजम नहीं होगी, तब जाकर प्रिया तभी मान करी, उसको पहले कभी ये मान नहीं करती है। कहते जो मान है ये दो तरह का मान है, कहते एक सहेतु की और एक अहेतु की, एक कारणों को लेकर और एक बिना कारणों को लेकर होता है। कहते जो कारणों को लेकर जो मान होता है, कहते वो तीन कारण से मान होता है। तीन कारण क्या है, बोले देख करके, सुन करके और अनुमान करके, ये तीनों कारण से मान होता है। पहला बताए सुन करके, बोले क्या कैसे सुन करके, अभी कृष्णा गोचारण करते हुए कृष्ण आए कहाँ पर, आए कृष्णा कुसुम सरोवर, वहीं पर वृंदा देवी है राधा रानी को द्वारा भेजा हुआ एक सुंदर पान की तांबूल और उनको लिए सुंदर एक माला, कान में दो सुंदर चंपक पुष्प की फूल दे करके वृंदा देवी को भेज देती है, कौन
राधा रानी श्याम सुंदर को दे दो। अभी श्याम सुंदर उस चीज को पा करके राधा की हाथ का तांबूल और चंपक पुष्प का रंग कैसे, बोले राधा रानी की कलर जैसे, उसको देख करके और राधा जी के हाथ की तांबूल खा करके, पांच पान की बिड़िया खा करके, कृष्ण के हृदय में तो प्रेम जागृत होता है। कब श्री राधा रानी को साथ में मिले? अभी राधा रानी को साथ में मिलने के लिए कृष्ण बहाना बनाते हैं, सखाओं को बोले देखो आज कहीं एक विशेष निमंत्रण है, मैं निमंत्रण में जा रहा हूँ, बस कृष्ण कहाँ आ रहे हैं? यहीं पर श्री राधा रानी सुंदर कुंज बनाकर राधा रानी बैठी हुई श्याम सुंदर के लिए। जब श्याम सुंदर आते हुए आते हैं, इतने में ललिता विशाखा जैसे क्या चेष्टा करती है कैसे श्री राधा रानी को साथ में कृष्ण को मिलन कराए, उसी तरह जो पद्मा वो कोशिश करती है चंद्रावली को साथ में कैसे प्यार कराए। इतने में चंद्रावली सुंदर कुंजो बनाकर बैठी और राधा रानी भी सुंदर कुंजो बनाकर बैठे, दोनों ही कुंजो बनाकर के बैठे हुए। इतने में पद्मा जब बीच में कृष्ण को दर्शन करती पकड़ लेती है, कहां जा रहे हो? हमारी सखी श्री चंद्रावली भी आपके लिए सुंदर कुंजो बनाकर बैठे, चलो। इतने में कृष्ण बहाना बनाते बोले देखो आज कहीं एक निमंत्रण है और निमंत्रण में हमें जाना है, क्योंकि चंद्रावली कहते दोनों का स्नेह कैसे, रूप गोस्वामी कहते हैं कि घृत स्नेह और एक मधु स्नेह, स्नेह दो तरह का है, एक तदीयता और एक मदीयता, ये प्रेम दो तरह का है, एक घृत स्नेह और एक मधु स्नेह, दो तरह का स्नेह है। कहते राधा रानी का जो स्नेह है कहते ये मधु स्नेह है, और चंद्रावली का जो स्नेह है कहते घृत स्नेह है। घृत समझते हो जैसे घी, आप डायरेक्ट नहीं खा सकते हो, उसमें बुरा डाल करके जैसे सब्जी में डाल कर खा सकते हैं, लेकिन हनी कहते मधु स्नेह, मधु के लिए कोई चीज की जरूरत नहीं, अब ऐसे खा सकते मिलाकर किसी तरह से आप मधु। इसलिए राधा जी का जो प्रेम है कहते ये मदीयता, और चंद्रावली का जो स्नेह है ना वो तदीयता, मतलब मैं तेरे, राधा रानी का भाव कृष्ण मेरे हैं। इसलिए राधा रानी का जो प्रेम चंद्रावली प्रेम से भी ज्यादा। अभी कृष्ण बहाना बना रहे हैं राधा जी को पास में आने के लिए, इतने में चंद्रावली बीच में आ गए, बोले कहाँ जा रहे हो, हमें सब बात पता है तुम कहाँ जा रहे हो, चलो। अभी जोर जबरदस्त उनको लेकर चले गए, और इतने में आकाश में तोता राधा रानी का जो सुग है प्रिया सुकृत्री वृषभानु जाया, अभी राधा रानी का जो तोता वो तो सीआईड रूप में घूमता रहता है, वो सीआईडी का काम करता है, कृष्ण कहाँ गए, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे, वो सारी खबर देता है राधा रानी को। इतने में वो तोता ने देख लिया कृष्ण तो बीच से अपहरण हो गए हैं, इसको देख करके तोता ने राधा जी को बोले हे राधे तुमने आज जो श्रृंगार की, आज सुंदर जो कुंजो तुमने बनाई, ये सब के सब बेकार हो गया। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले कृष्ण तो बीच से किडनैप हो गए। बोले किसने किडनैप किया? बोले चंद्रावली ने किडनैप कर लिया। बस राधा रानी तो दुर्जय मान करके बैठी जाती है, बैठ कर कभी रो रो करके आंखों से आंसू से कुंडों को भर देती है। जब कृष्ण बड़े समय के बाद में चंद्रावली से मिल करके आए, जब आए इतने में राधा रानी प्रश्न करती हैं, बोले इतने देर क्यों हुआ? कृष्ण झूठ बोल देते हैं, बोले देखो राधे मैं जल्दी जल्दी तो आ रहा था, आते समय ना एक तमाल वृक्ष के ऊपर में एक माधवी लता को हमने देखा, उसमें ऊपर में गया हुआ, तमाल वृक्ष मेरे स्वरूप है और जो माधवी लता तेरी स्वरूप है, अभी तेरे और मेरे मिलन का मेरी को स्फूर्ति हुई, याद आए तो मैं वहीं पर बेहस हो गया था, बेहस हो गया था, इसलिए देर हो गई। बोले देर बेहस हो गया, देर हो गई? बोले हाँ। बोले देर हो गई तो तुम्हारे प्यार में चंद्रावली का जो सिंदूर प्यार में लगा हुआ, बोले सिंदूर कहाँ से आई? ये लाल, मैं जल्दी जल्दी आ रहा था ना, मेरे प्यार में कांटा चुभ गया, इसलिए खून निकल गया। बात सुनते ही तो राधा रानी को इतने क्रोध आया, बोले नील लोहित, नील कृष्ण नील रंग के, हाँ नील लोहित रुद्र, इसलिए कहते जो उनका शरीर में जो सिंदूर लगा नील कृष्ण और रोहित, मतलब उनको सिंदूर लगा हुआ नील रोहित, उनको रुद्र बोल करके वो संबंधन करती है, बोले जहां से आए ना अब वहां से चले जाओ, कोई जरूरत नहीं आने का, मेरे को सब कुछ बात पता है। इतने में राधा रानी ने तो बोल दिया खबरदार, ये काले किसी व्यक्ति को अंदर में प्रवेश करने नहीं देना। इसलिए गुरुदेव कहते थे ये वही स्थान है जहां पर कहते जत किंग करि सुबह सड़ु काकवाणी नित्यं परस पुरुषस्य शिखंड मौले जस्या कदा रसनिधे वृषभानुजाया तत् केलि कुंज भवनांग निमार्जनीया। प्रबोधानंद सरस्वती यही जगह के लिए कहते हैं जहां पर राधा रानी मान की हुई कहते हैं अपना सखी मंजरियों को किसी काले व्यक्ति को अंदर में घुसने मत दिया करना, कहती जो भ्रुरु है ना ये भी काली है,
चंदन से इसको सफेद बना दो, जो चोटी है उसको फूलों की माला से उसको सफेद बना दो, किसी काले व्यक्ति को अंदर में घुसने नहीं देना। कृष्ण काकुत विनती करते हैं, अंदर में घुसने नहीं देते। इतने में कृष्ण क्या करेंगे, फिर वो ललिता को पास में जाती है, क्योंकि जब तक ललिता विशाखा की कृपा नहीं हो ना, राधा रानी से नहीं मिल सकते। अभी ललिता जो पास में जाती, ललिता क्या चाहती, इनकी क्या है, इनकी भावना, जय जय राधा कृष्ण जुगल मिलाना आरती करें। इनकी भावना है जुगल मिलन का, वो क्यों, जुगल मिलन से ही इनका आनंद है। अभी राधा रानी भी दुखी, कृष्ण भी दुखी, दोनों ही दुखी है। अभी इनको जुगल मिलन कैसे कराया जाए। ललिता कहती है, देखो श्याम सुंदर, राधा रानी भी तुम्हारी विरह में दुखी है। बोले क्या करे बताओ। बोले एक काम करो, ये बेस को छोड़ो, छोड़ करके गंधर्वनी रूप धारण करो और ऐसे राग गाओ जिसको सुन करके राधा जी का हृदय द्रवित हो जाए, फिर राधा रानी बुलाएगी ना, फिर तो मिलन हो सकता है। फिर श्याम सुंदर यहीं पर गंधर्वनी बनते हैं और क्या राग गाते हैं, इतने सुंदर राग रागिनी गाए, वृक्ष से मधु झरना शुरू हो गया, पत्थर पिघलना शुरू हो गई, सारे दुनिया बोले त्रिजगत मानस आकर से मुरली कल को जीता। अद्भुत, उन्होंने सारे राग को सुन करके, इतने में राधा रानी सुन करके बोले, ललिते ये इतने सुंदर राग रागिनी कौन गा रहे हैं, जिसको सुन करके मैं हृदय द्रवीभूत हो रहा है। बोले देखो राधे, स्वर्ग से एक कोई गंधर्वणी आई है, वो गंधर्वणी ये सुंदर भजन गा रही है। बोले उसको लेकर के आओ, मेरा मन तो सुन करके बड़ा, मेरा मन उसको मिलने से इच्छा हो रही है। तो उन्होंने श्री श्याम सुंदर के जब अंदर में लेकर गए, अंदर में आते ही ना राधा रानी का आधा मान ही खत्म हो गई कि वो कृष्ण है ना, और तो और कोई नहीं। बोले तुम क्या जानती हो। बोले मैं जिसका चरण की सेवा करूं, जिनकी श्रृंगार कर दूं, उनके हृदय की सारे व्यथा दूर हो जाती है। हाँ, जिसको मैं मालिश कर दूं, मेरे सारे व्यथा दूर हो जाता है। कृष्ण स्वयं राधा जी की चरण की सेवा करते हैं, कृष्ण चरण की सेवा, राधा जी की चरण की सेवा करते ही, स्पर्श करते ही राधा रानी का जितने हृदय में जो विरह था ना, वो अपने आप सारे विरह दूर हो गया। कृष्ण, राधा रानी सोच रही है, जब तक मैं श्याम सुंदर से नहीं मिलती हूँ, तब तक मेरे हृदय की व्यथा कभी दूर नहीं हो सकती है, केवल श्याम सुंदर का मिलन से हो सकती है। लेकिन पता नहीं ये सखी की बात मेरे को इतना प्यारी क्यों लगती है, इसका हाथ स्पर्श इतना प्यारा क्यों लगती है, और इस शरीर को स्पर्श करते हृदय की सारे व्यथा कैसे दूर हो गई। तो उन्होंने ललिता सखी को इशारा किया, ललिता कौन है। ललिता बोली, और कोई नहीं, ये श्याम सुंदर ही तेरे को मनाने के लिए रूप धारण किया। बोले एक काम करो, इनका सारे, बोले देखो इनको कोई नया वस्त्र धारण कराओ, देखो हम लोग कितने सुंदर अस्त्र, अच्छे वस्त्र पहने, तो महिला वस्त्र पहने, इसको बदलाओ, पहनो। कृष्ण देखा, भैया सारे पोल खोल जाएगी अभी हमारी। इतने में बोले, नहीं नहीं मैं तो यही वस्त्र पहनूंगा। बोले भैया, लड़की को अंदर में, लड़की को वस्त्र बदलाने के लिए कोई तरह शर्म आती, थोड़ी कोई शर्म लगता है। इतने में जोर जबरदस्ती उसका सर में जो चुंदरी था ना, उन्होंने पूरा के पूरा खोल दिए। जब खोल दिए ना, इतने में देखा वो कौन है, वो लड़की नहीं, वो कौन है, ये श्याम सुंदर है, श्याम सुंदर है। पर यहीं पर श्री राधा कृष्ण की यहीं पर उनको मिलन हुआ। इसलिए कहते, कभी अनुमान करके, कभी देख करके, और कभी सुन करके, तरह तरह से रूपों गोस्वामी इसकी इतने व्याख्या उन्होंने बताई। देखो ये चीज को सुनने के लिए हमको तो बड़ी अच्छी लगती है, क्यों, कारण क्या। बोले कारण है कि जो मान है, ये अप्राकृत जगत का ये मान है, लेकिन उसी जगत का जो प्रतिछवि है इसी जगत में। अगर उधर नहीं, अगर इसी, अगर उधर नहीं होता ना, इधर नहीं होता, अगर ये चीज को, अगर हम लोग, हमारी इसी जगत में नहीं होता है ना, अगर प्रभु की लीला संपूर्ण दिव्य अप्राकृत होता, हम सुन करके भी हमारे मन में कोई भावना नहीं आता, क्यों, कारण क्या, वो संपूर्ण दिव्य अप्राकृत वाले नहीं। इसीलिए ठाकुर जी इसी जगत में आकर लीला करते हैं, अनुग्रह या भक्ता नाम करो में विविध क्रिया। लेकिन यहाँ की मान और वहाँ की मान में कुछ फर्क है। बोले क्या है, आप लोग मान किए हो, सबके सो पता होगा। देखो जैसे इसी जगत में पति पत्नी अगर मान कर ली है, अगर पति टाइम से अगर उसको मान नहीं मनाती, देखना वो मान धीरे धीरे क्रोध में परिणत होगा, और क्रोध करते 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 कभी कोर्ट के सिर पर चल जाएगी। लास्ट में ना जाकर के डाइवोर्स हो जाएगी, जाकर लास्ट में यही मान ही जाकर डाइवोर्स का कारण बन जाता है। लेकिन उसी जगत का जो मान है, ये कभी नहीं होता। बोले क्यों, कहते वो जो मान है वो केवल प्रेम को बढ़ाने के लिए, कहते ना, न तथा विप्र लंबे न संभोग पुष्टि मसुनते। इसी जगत में देखना, जैसे मान किया,
सात आठ दिन तक पति पत्नी में बात ही नहीं हुई, लेकिन उसको बाद में जो फिर बात होती है ना, वो बात बड़ी मीठी लगती है, फिर अच्छी लगती है। फिर उसको बाद में बात कर, सात आठ दिन बात, उसको बाद में बात करो ना, फिर एक नया आनंद होता है, एक नया। क्यों इसी तरह कहते हैं जो उसी जगत का, जो इसी जगत का, उसी जगत का जो मान है, इसी जगत का प्रतिच्छवि, इसी जगत का। कहते हैं मान कब होता है, कहते पहले श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, रुचि, निष्ठा, आसक्ति, भाव और प्रेम। ये प्रेम अवस्था में भगवत दर्शन, जब यही प्रेम घनीभूत अवस्था धारण करता है, फिर ये मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, धीरे धीरे यही प्रेम बढ़ते 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 महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी। इसलिए ये वो स्थान है जहाँ पर राधा रानी मान की थी। हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में यहाँ पर आए हैं। ये स्थान गुरुदेव कहते थे जो स्थान ब्रह्मा शंकर के लिए भी ये दुर्लभ स्थान। गुरुदेव कभी कभी कहते थे, जैसे गुरुदेव के साथ में कभी सिर्फ विदेशी भक्त आते थे, गुरुदेव कहते तुम लोग सात समुद्र पार करके आए, विदेशी लोगों के लिए कहते तुम लोग सात समुद्र पार करके आए हो, तुम लोग बड़े सौभाग्यवान जो कि यहाँ पर तुम लोग आए, जो कि ब्रह्मा शंकर के लिए भी ये स्थान दुर्लभ स्थान है। इसलिए गुरुदेव का अत्यंत अत्यंत प्रिय स्थान। हम भी गुरु वैष्णव के अनुगत्य में यहाँ पर आए, यहाँ का चरण धूल लगाओ, यहाँ का एक धूल हमारी सारी इच्छाओं को पूरी कर सकती है। वंशा कल कृपा सिंधु Hare Krishna, under guidance of Guru and Vaishnavas, where we assemble, this is area called Man Sarovar. We are sitting under this grove Kunja and bank of Man Sarovar. Krishna's eternal consort, Srimati Radhika, when became Salki, due to her Salkiness, tears came from her eyes and became this pond. Why Radhika became sulky? To know this, you have to know Swarupa Goswami Pada explained that meetings four types and separation four types. Meeting four types: Sankshipta, Sankirna, Sampurna, Samriddhiman, and Vipralambha, Purvarag, Man, Prabhas, Premvaichitta. So, when the Sankirna, Sankshipta, Sampurna, Samriddhiman, here Purvarag, Man, Prabhas, and Premvaichitta, one after another is greater and greater. When first will be Purvarag, then meeting will be Sankshipta, then Man will be Sankirna, then when it became Man Prabhas, then it will be Sampurna, when Premvachita, then Milan will be Samriddhiman. This Man, this Vipralambha mood, four types: Purvarag, then Man two types, Sahaituki and Ahaituki, with cause and without cause. When man with cause, then Krishna is very difficult for Krishna to break Radhika's sulky mood. Without cause, very easy to break. When Radhika's man is with cause, even Krishna cannot break her sulky mood with her fruit sound also. This ahaituki man means without cause is three types: Shruta, Anumanita, Drishta. Shruta means hearing, and Drishta means after seeing, and Anumanita is inference or guess. So here, when Radhika heard something, then became sulky. Maybe it is true or not, but when Radhika heard, then she became sulky. Then easy to break for Krishna with some jokes, this and that. When Anumanita with guess, then also easy, but with cause very difficult. Like I'm giving example to clear this point. Maharaj is giving very nice explanation.
श्रीमती राधिका मेड हर कुंज वेरी नाइस वेरी ब्यूटीफुल डेकोरेटिंग अदर हैंड राधिका कजिन सिस्टर चंद्रावली मेड हर कुंज टू इन राधिका साइड आर प्रोमिनेंट सखीज ललिता इज वेरी टकेटिव प्रखरा बम एवरीथिंग अदर हैंड चंद्रावली प्रोमिनेंट सखीज पद्मा she also very expert very talkative and very expert so both side they want krishna limited chandravali and lalita want krishna meet should radhika once what krishna did krishna was coming to meet with radhika chandravali sakhi padma knew this somehow other with other means by hook and crook she dragged krishna to chandravali's kunja gauri kunda radhika doing surya puja excuse of surya puja she is meeting with krishna and other hand her cousin sister chandravali excuse of gauri puja meeting with krishna in gauri kunda krishna is there and so many laughing joking going on in the meantime Radhika's trained parrot, he saw this, that Krishna is meeting there, impromptu, this party, Sapaksha. Then Lalita became very angry. What? Dabuchi, inside black, outside black, is meeting there. What to do? Then Lalita immediate held a meeting. Then give responsibility to Rup Manjari, Roti Manjari, Raman Manjari, Rag Manjari, etc. Bring that black fellow here, that black fellow here. So Rup Manjari, she entered the groves of Chandravali and told to Roti Manjari, Raman Manjari, others will hide here and there. So many are hiding there. Going inside there, Rup Manjari make drama. Braj bachao, braj bachao, save braj, save braj. All became stunned. What happened? One big demon in disguise of calf entered all among the calves. Have to go immediate second delay, otherwise all calves will be finished from Braj. Again, Braj Bachao became faint. Foam coming from her lips, eyes became like he's going to die. Then Chandravali Padma, all this sprinkle water, make her sense back. But she was not at all faint. She was making drama. Other day, Sridhar Maharaj Tithi was telling, if someone is sleeping, you can make him awake. But who is knowingly not sleeping but knowingly making drama, very hard to wake him up. So Rup Manjari making drama, so very hard they make him awake, her awake. Okay, what happened? Oh, Braj Bachao, big demon. I've been trembling. Where is that? Then she points that side. Krishna understood. Then Krishna telling, Chandra will telling, oh, Rup Manjari can go with him. No, I will not go. Because if Samsundar did go, no problem for him. If the demon somehow or know that I told Krishna, then he'll kill me. So I'll not go. Then Padma telling, all can so from a long distance. Rup Manjari thought, can I do that but for a long distance? Okay, let us go. When Krishna coming, little distance, then Rup Manjari blow whistle. The meantime, all Manjaris was hiding here and there. They came and telling, "Aaj tomora dujonate dhara porecho, churi kore khete giye hat pa bhengecho, Shamsundare ki korecho." Oh, you are hiding together. Now we caught you red-handed. We have to punish. Rup Manjari and all others joking. Then Krishna telling, "Oh, please excuse me. Maafi chahte hain." बोले माफी काफी नहीं है चाहते हो माफी गले में डालो साफी जाके स्वामी चरण समापन करो ये सरेंडर लोटस फीट ऑफ स्वामी देन यू कैन बी एक्सक्यूज अदरवाइज नो वे इन चक्रवर्ती ठाकुर गुरुवास्तव निकुंज जूनो रति केली सिद्धई याजाली विजुक्ति अपेक्षणीय तत्र दिदक्षत अति वल्लभस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम दिस इज द फर्स्ट टाइम बिहाइंड दिस This Guru Vastak, all eight slokas, eight nights, very, very beautiful pastime. What
Chakra Thakur has seen his Bhavanastra, he composed in slok form in Gurubhashtakam. This is Anumanit, this is the sin. And I am giving example. Once Radhika became sulky, Krishna could not break her sulky mood. He went to Brinda Devi. Oh, Brinde, what shall I do? Brinde told, oh, only one means there, only one. What? You have to take shelter in a Bibarna Sakha. You have to take shelter of a branch whose the word beginning by B. Branch means Sakha. B means B Sakha, whose B is before. Means you have to take shelter of Bisakha. Why? Bisakha almost always staying with Radhika. They born same day, same time, only few minutes later. Moreover, Bisakha has some blood relation with Jyotila. Jyotila's sister and Bisakha's mother, they are sister. So Jyotila has so much faith on Bisakha than other Sakhi. Then she came to Krishna, came to Bisakha. Then Bisakha told only one way. You have to dress yourself, disguise in Gandharva and come, and then you can break sulky mood up. Radhika, there's no other way. Okay? She dressed herself. Jogmaya helped Krishna. She did it very nice way. And came in the groves of Radhika and singing outside. Here in Makeshwari, Kriyeshwari, Sadheshwari, Sureshwari. So here the Sureshwari. Sur means tune. Tune is three types. There are so many experts, Sundar Gopal, Uttam. So it's Udara, Mudara, Tara. If you know the Sureshwari meaning, how vast explanation there. And then how the seven is come from different animal and birds, you can read that. Sureshwari's explanation. So it's come sometime Mudara, some Udara, sometime Tara. Oh, sometimes fifth tone, sometimes seventh note. Who is this? This Radhika's heart melt. I'm Rupmanjari, Roti. Oh, go, who is bring it here? I want to listen. Then they brought him. Not him, but her, but him. He became in disguise. Came. Hey, when she entered there, means she entered there, and Radhika's left arm is trembling. It is the sign of auspiciousness, sign of meeting. Oh, what happened? When like Lord Ram had came to break the Shiva bow, then Sita Devi's left arm was trembling. This is the sign of auspiciousness. Radhika telling, why my left arm is trembling? What is this? Who is this Gandharvi? What he can do? Oh, I expert singer. To whom I message is all the difficulty of mind will go away. So she's singing and massaging. As soon as Radhika got touch of Krishna, Radhika's heart became melt. Then Radhika talked to Lalita and Bisakha by hints, by through eyes. Then Lalita told, means is that the black fellow? Okay, very good. Now everything done. Radhika telling, oh Lalita, I never seen this Sakhi. Oh, I love this Sakhi so much. I want this Sakhi to meet always, but I want to reward him, reward my Sakhi her. So Lalita, what you want to give? Oh, from my father house, new set cloth has come. I only use once. Oh, you can decorate that lady. That Krishna telling, no. I don't want. No, you want to give some presentation. Then Krishna telling disguise of Gandharvi. Okay, when I go in big occasion, I can use there. No, I don't want to change here. Radhika, Lalita, we said, what harm? You are lady. Lady change cloth in front of lady, no problem. Now Krishna want to run away from there. But Radhika hints everyone, all Sakhis and Manjaris around Krishna by force. When they took off his Chundari and other thing, then this Krishna, then Jaya Jaya Radha Krishna Jugala Milan. So this is the place, Mansarovar. The Radhika, due to sulky mood, tears come so much, this became pond. Maharaj is very nice way. Someone can, how it is possible? Then by tears, Kunda will be there. It mentioned in Chaitanya Charitamritam, Chaitanya Bhagavat, Chaitanya Charitamritam.
When Mahaprabhu dancing and in mood of Radhika, water is coming so much like syringe. Close by you are getting completely wet. And what? This is Radhika's mood. Mahaprabhu absorbing Radhika's mood happened. And Radhika doing herself. Why not possible? Time of Gurudev used to come from Vrindavan by walking here. Here and Belvan, both used to do same day by walking only. And nowadays even you can by car, we could not do that, by bus could not do that. At time of Guru, early 80s is Guru Mahadi is there. And Sridhar Maharaj used to do. मैं जब बर्मानी आप तो कार में आते हो, मैं तो उधर से आया बस से पूछो, बस से आया, कोई मैं जानता हूँ कोई ना कोई उंगली उठाएगा, इसलिए मैं क्या क्या उधर से भाग रोल से बस से आया पूछो, और ड्राइव हाथा प्रेमपाल सिंह और मैं तो छोटा गाड़ी छोटी गाड़ी में आती हूँ और बन महाराज बड़ी गाड़ी में आते हैं और मैं तीखो उम्र का तो बांग्ला में थोड़ा सुना देती तो महाराज जी अरे एक घंटा हो गया बोले बोले बात कथा कर देखिए बीए करे जे कि ना अरे वो छेड़ा कोदा गेलो ओके दिन ना तार टेलर के दिन टेलर बोले हमके दिन टेलर खुजे बाछी ना अरे वो जे भूत घर ना के दो ना 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 अरे देना के की बोले तो हमें ना बोल जी ंग श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गुरु भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे কার মুখে কোন আওয়াজ নেই বাঙালি গুলো সব মরে গেছে অন্যরা বেঁচে আছে হরে কৃষ্ণ কেউ বলতে পারছে না সর্বপ্রথম গুরুদেব পূজ্য পাদ ভক্তি বিধান তোমার যে চরণ পূজ্য পাদ ভক্তি বিধান তো মাধুর পশ্চিমে চরণে শতপতি তৎপশ্চাৎ নিত্যনীল প্রবিষ্ট ভক্তি বেদান্ত নারায়ণ গোস্বামী ও নিত্যনীল প্রবিষ্ট ভক্তি বেদান্ত বামন গোস্বামী চরণে শতপতি উপস্থিত সমস্ত চিত্তঙ্গিগণ সমস্ত চরণে তাদের সকল নাম বৈষ্ণব বৈষ্ণবী গৌর ভক্ত বৃন্দ সবাইকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন মান সরোবর কে মান করেছিল রাধারানী মান করেছিল কারণ গোবিন্দ আমাকে ভালোবাসে না অন্য গোপীদের ভালোবাসে গোপিনীদের ভালোবাসে এই যে সহ্য করতে পারলো না তাদের সাথে লীলা করছেন তাদের সাথে রাস করছেন তাদের সাথে কত বলছেন এই যে চন্দ্রাবলী ঘরে গিয়েছিল সুখ শাড়ি ও সংবাদ দিয়েছিল দূত এই দূত খবর দিয়েছিল রাধারানী কাছে খবর দিয়েছিল যে গোবিন্দ চলে গেছে ওই যে চন্দ্রাবলী ঘরে চলে গেছে সেখানেই তিনি তাকে নিয়ে আনন্দ করছে যে অভিমান হয়ে গেছিল আমার আমার কাছে আসলো না তাহলে আমাকে ভালোবাসে না ভালোবাসে অন্যদের ভালোবাসে এই যে মান প্রবাস প্রেম বৈচিত্র্য তার মধ্যে যে ছিল চারটে মিলন তার মধ্যে ছিল এবং এই রাধা রানী ৩৬টা অলঙ্কার ব্যবহার করত এই ৩৬টা অলঙ্কার সবসময় ব্যবহার করতো না কখন কোন অভিসারে যখন যাবে সেই অলঙ্কারটি ব্যবহার করত যাতে গোবিন্দ আমাকে ভালো লাগে গোবিন্দকে ভালো লাগানোর জন্য আবার ১৬টি শৃঙ্গার করতেন ১৬ রকমের শৃঙ্গার করতেন রাধারানী এই ১৬ রকম শৃঙ্গার করতেন কেন কিসের জন্য নিজের জন্য নয় গোবিন্দকে মানে লাভিনী শক্তি আনন্দ দেওয়ার জন্য গোবিন্দকে আনন্দ দেওয়ার জন্য আমার কৃষ্ণকে আনন্দ দেবো এই এত মনোভাব নিয়ে যখন নাকি আসে যখন শুনলো যে কৃষ্ণ অন্য জায়গায় চলে গেছে এই মান এই বিপ্লম্ব ভাব এই মান নিয়ে এখানে সে কাঁপতে থাকছে
আমি যাকে এত ভালোবাসি, এত তাকে স্নেহ করি, এতকে আমি ভক্তি করি, এত তাকে আমি আনন্দ রাখার চেষ্টা করি, আর সে অন্য বিয়ে চলে গেছে। এখানে বসতে বসে কাঁপতে কাঁপতে চোখের জলে এখানে সরোবর তৈরি হয়ে গেলেন। কৃষ্ণ যখন আসলেন, কৃষ্ণ এসে রাধিকার মান, এই মান কিছুতেই ভাঙতে পারছে না, পায়ও ধরলেন কিছুতেই ভাঙতে পারছে না, বেলুকে রাখলেন, মুকুটে রাখেন, পায়ের কাছে দুটো হাঁটু মুড়ে যখন বসে আছে রাধা রানী, তখন কৃষ্ণ কি বললেন, স্মার গরলং খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনম দেহি পদ পল্লব মুদা। এই চরণে পড়লেন, চরণে রাধা রানী চরণে যখন পড়লেন, এই যে একটা শিরোরং যে গোবিন্দ আমার চরণে পড়েছে, মান আছে, রাগ আছে, কিন্তু সেই রাগ কতক্ষণ থাকতে পারে, অনুরাগ, এই যে পাওয়ার জন্য রাগ, ছাড়ার জন্য রাগ নয়। জাগতিক জগতে সে রাগটা হয়, সে রাগটা করলে কি হয়, এমনই রাগ করে তার আগে একটা বিকল্প ব্যবস্থা নিয়ে রাখে, আর বিকল্প ব্যবস্থাটা নিয়ে তাকে মান করতে শুরু করে দেয়। সংসারে কোন কলহ সৃষ্টি করতে পারে, আগুনও সৃষ্টি করে, আর আগুন সৃষ্টি করার জন্য এই মান এমন মান করবো এই মান থেকে যেন আমরা ছিঁড়ে যেতে পারি, মানে চুলটাকে ছিঁড়ে দিয়ে, চুলটা ছিঁড়লে তো জুড়বে না, সেই মান করে। আর এই মান কি করেছে, এ হচ্ছে অনুরাগ, তার মধ্যে এই মানে পাওয়ার জন্য, অধিক করে পাওয়ার জন্য সেই মান করেছিলেন। সেই মান অদ্ভুত, সেই রূপ, সেই যে কৃষ্ণকে পাওয়ার জন্য, আর এই কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য অনেক কথাই শুনেছেন আমার এখানে, পরেশের সঙ্গে তো অনেক অনেক কথা শ্রবণ করেছেন। এই একই কথা বারবার বলে সময় থেকে নষ্ট না করে আপনারা সুন্দর জায়গায় যাবেন, আবার সেই সুন্দর জায়গায় সুন্দর সুন্দর কথাগুলো শুনবেন। এই যে মান যে করেছিল, এই মানের যদি মিলনও হলো, মান যদি না হয় মিলন হয় না, মানের প্রেমের গুণতা, প্রেমের হচ্ছে মধুরতা মান থেকেই আসে, সেই মান বিচ্ছেদের মান নয়, সে অনুযোগ অনুরোগের অনুযোগের অনুরাগের মান, সেই অনুরাগ করে এখানে তিনি মান সৃষ্টি করেছিলেন, এই মান সরোবর হয়েছিলেন। তারপর তাদের মধুর মিলন হবে, সেই মধুর মিলনেতে এই রাধা কৃষ্ণর অপূর্ব মিলন এবং অপূর্ব সঙ্গীত সেখানে সৃষ্টি হয়েছিল। তাই একে নতুন করে আর সৃষ্টি করা যায় না। বাঞ্ছা কল্প তোর বসতি বাসন দুর্ব এই বছর বাস আমরা গেলাম, বাস থেকে 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 আ